बर बर अंधियारा, व्याप्त हुआ बर बर अंधियारा, किंतु चिरकर तम की छाती, किंतु चिरकर तम की छाती, चमका हिंदुस्तान हमारा, किंतु चिरकर तम की छाती, चमका हिंदुस्तान हमारा, शत शत आघातों को सहकर, शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जीवित हिंदुस्तान, जग के मस्तर पर रोली सा, जग के मस्तर पर रोली सा, शोभित हिंदुस्तान हमारा, शोभित हिंदुस्तान। अटल जी के शब्द आज के इस कालखंड में भारत की के सामर्थ्य, इस कोरोना काल सभी क्षेत्रों को रुकावटों के बीच भी आगे बढ़ने के लिए भरपूर प्रयास किए गए, लेकिन इसमें कुछ क्षेत्र थे जिस पर थोड़ा विशेष बल भी दिया गया, क्योंकि वो व्यापक जनहित में आवश्यक था, युवा पीढ़ी के लिए आवश्यक था। कोरोना काल में जिन विशेष क्षेत्रों पर फोकस किया उसमें से मैं दो की चर्चा जरूर करना चाहूंगा। एक एमएसएमई सेक्टर, सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला एक क्षेत्र है। हमने शिक्षित किया, उसी प्रकार से खेती बाड़ी क्षेत्र, उसमें भी कोई रुकावट ना आए उसको निश्चित किया। उसी की वजह से मैंने वर्णन किया, बंपर क्रॉप हुआ, सरकार ने रिकॉर्ड खरीद भी की, महामारी के बावजूद गेहूं धान की खरीदी के नए रिकॉर्ड बने, किसानों को ज्यादा एमएसपी मिला और वो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीम के तहत मिला, पैसा सीधा उनके बैंक खातों में जमा हुआ। और मैंने तो पंजाब के लोगों के कई वीडियो देखे, क्योंकि पंजाब में पहली बार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से पैसा गया।